नहीं शुक्रिया। बहुत मजा आया और हमारे सुनने वालों ने भी पूरा मजा लिया होगा इसका। हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा गजल थी। मैंने अभी अभी रिसेंटली इसी पिछले महीने में इसको बनाया और इसको रिकॉर्ड भी किया है। वो आइंदा वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कैसेट बन के आ जाएगी जिसमें ये गजल होगी। बहुत अच्छे कलाम जाफर, ये कहान जाफर जाफर साहब, बहुत अच्छा कलाम था। दो दिन की है। हाँ, दो दिन तो जुनू के हैं, आओ के मचल जाए। बहुत खूबसूरत गजल था। खान साहब, आप एक अरसे से गा रहे हैं और ये भी सभी जानते हैं कि 9 साल की उम्र में आपने गाना सीखना शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल, बड़े गुलाम अली खान साहब। जी 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 बिल्कुल। तो क्या आपका फैमिली माहौल ही ऐसा था? हाँ, मेरे वालिद साहब, उनका नाम था दौलत अली जाफरी, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम जो गुलाम अली रखा, तो बड़े गुलाम अली खान साहब के नाम के प्यार की वजह से। वो इतने उनके फैन थे कि उनको तो और कोई नाम याद ही नहीं था किसी गाने वाले का, सिवाय बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद जी बड़े गुलाम अली खान साहब। तो जाहिर है इस सेंचुरी में उन जैसा जो भी प्यार से गाना गाता है, तो ये उनको समझ करके, उनको प्यार करके गाता है। तो आप उन्हीं से इंस्पायर। हाँ, तो मेरा नाम भी उन्होंने गुलाम अली रखा। पहले कई दफा मैं इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ और टीवी पे भी कई दफा आ चुका है कि मेरा नाम मेरे बाप ने, मेरे वालिद साहब ने बड़े गुलाम अली खान साहब के नाम से रखा कि इस नाम की वजह से इसको गाना आए, और फिर उन्हीं की शागिर्दी में दिया। मैं कोई 12-13 वर्ष का था, 9 साल की एज में तो वालिद साहब ने शुरू करवा दिया था, सारे गामा पादानी सजा रे गामा पादानी सारे जो भी। तो उसके बाद फिर उसके बाद फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की शागिर्दी में मुझे दिया जी। और मेरी शागिर्दी का भी अजीब वो वाकया है कि खान साहब ने कहा, भाई मैं तो ज़्यादातर लाहौर में रहता नहीं, कभी इधर चला जाता हूँ, कभी इधर चला जाता हूँ, कभी इधर चला जाता हूँ, तो ये बच्चा पहले मुझे सुनाओ तो सही, मैं ऐसे शागिर्द कैसे करूँ। अब उनके सामने तो गाने को बड़े बड़े लोग कामते थे गाने जी। तो मुझे पता नहीं क्या कोई मौजसा था, खुदा की मेहरबानी थी कि मुझे उन्होंने कहा कि भाई कुछ सुनाओ, तो मैं बिल्कुल झिझका नहीं, जैसे बच्चे, मेरे को खबर भी नहीं थी वो कौन है, इतनी बड़ी हस्ती के सामने गा रहा हूँ। तो वो अब मैं कभी सोचता हूँ तो मुझे अब डर लगता है कि उनके सामने। उस वक्त मुझे बस उन्होंने शागिर्दी में लेना था, मेरे भाग अच्छे कि मैं उन्हीं की ठुमरी से गुनगुनाना शुरू कर दिया। और खान साहब, 9 साल की उम्र में जब आप बड़े गुलाम अली साहब के पास पहुँचे और उन्होंने आपसे गाने को कहा और आपने ठुमरी गा दी, ये 9 साल की एज में तो मैंने शुरू कर दिया था, अपने वालिद साहब से सरगम वगैरह सीखा, 2-4 राग सीखे तो गुनगुना लेता था मैं कुदरती। तो ये क्योंकि आर्टिस्ट जो है, कलाकार है, जो फनकार, ये आधा ऊपर वाले की तरफ से बन के आता है। तो फिर मैंने खान साहब के सामने आपको अर्ज किया ना, मैंने कहा बहुत अब डर लगता है, तब उस वक्त नहीं लगा था थोड़ा बहुत, क्योंकि पता नहीं था, बचपना था। तो मैंने ठुमरी गुनगुना दी, उन्हीं की गाई हुई पीलो की, बोल थे सैया बोलो तनिक मुझसे रही हो ना जाए, इसे आज भी गुनगुनाते हैं ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं, मैं बताता हूँ। सैया बोलो तनिक मुझसे रही हो ना जाए, सैया बोलो ये गुनगुना दिया। तो खान साहब हंसे और मुझे गले लगाया, वो माशाल्लाह बहुत भारी वेट था उनका, तो मैं बहुत बच्चा था, तो मुझे सीने से लगा लिया, वही जो सीने से लगाया तो उसी से मेरा काम बन गया। जब उस्ताद सीने से लगा लेता है तो दुनिया में नाम फिर उन्हीं की दुआ से, उन्हीं की बरकत से हो गया। फिर हाँ, उससे शागिर्दी हुई, जो हमारी रस्म होती है ना, हम यहाँ पे गाना वाना एक बांधते हैं, फिर जो कुछ भी शागिर्द के पास हो नज़र करता है, इस तरह से शागिर्दी हुई। उसके बाद फिर अपने खान साहब तो चले जाते थे, अपने छोटे भाइयों के पास मुझे छोड़ गए, मेरा बाजू पकड़ के उनके बाजू हाथ में दे दिया, मेरा हाथ उनके हाथ में। उनका नाम था उस्ताद बरकत अली खान साहब मरहूम, बहुत ही बड़े पॉपुलर और गजल ठुमरी के शहनशाह, असल में शहनशाह तो वो लोग जो जहाँ से सब कुछ निकला है, हम तो उनके उनकी ब्रांच आज भी अभी सोचते हैं कि शागिर्द है उनके। तो बरकत अली खान साहब और उनके छोटे भाई उस्ताद मुबारक अली खान साहब, उनसे मैंने क्लासिकल की तालीम ली, उनसे लाइट क्लासिकल की ली। तो दोनों भाइयों के पास मैं कम अज कम 12-13 वर्ष रहा हूँ। 12-13 वर्ष में अपनी नींद नहीं सोया हुआ,
जब जी चाहे उनका जगा देते, अरे उठो जा सो रहे हो, नहीं जी जागता हूँ, फिर दबाना शुरू कर दिया। ऐसा ऐसे चार चार छः छः सात सात घंटे मेरा स्टेमिना हो गया था उनको दबाना, उन्होंने सो जाना। तो फिर एक दो दफ़ा तो चार बज गए पाँच बज गए तो मैं दोबारा हूँ, अरे सोया नहीं, अच्छा कोई बात नहीं बेटे तेरा बहुत नाम होगा, बहुत ऐसी दुआएं ली बस उनकी दुआओं से। बिल्कुल मेरा तो मैं तो श्योर हूँ कि उनकी दुआओं से ये काम, फिर आपकी टैलेंट तो, मुझे तो अब तक भी कुछ नहीं आता इसका। नहीं नहीं टैलेंट तो होना जरूरी है पर दुआएं भी बड़ों की बुजुर्गों की दुआएं। उनके पास ही उनके सामने रियाज किया, फिर 1960 में रेडियो पर मैं उनकी इजाजत से उस्ताद बरकत अली खान साहब की इजाजत से, उनके एक दोस्त थे रेडियो पाकिस्तान में, उनका नाम था शाहद अमृतसरी, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे पीओ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रियाज करते सुना तो मेरे खान साहब उस्ताद को, मेरे उस्ताद के वो दोस्त थे उस्ताद बरकत अली खान साहब को, उन्होंने कहा कि इसको रेडियो पे भेजो, इसको नीचे तो बुलाओ कौन गा रहा है, कहते गुलाम अली है हमारा शागिर्द है। उन्होंने कहा क्यों रेडियो पे तो जाएगा, तो मैंने कहा जी खान साहब इजाज़त देंगे तो मैं जाऊँगा, शौक तो था बड़ा। वो दिन ऐसे थे कि मैं ख्वाब देखता था कि कभी हमारी आवाज़ भी रेडियो पे, मेरी आवाज़ भी आएगी, तो बड़ा शौक था। तो फिर इजाज़त ली तो गया रेडियो पे, ऑडिशन हुआ, ऑडिशन अजीब हुआ मेरा जी। एक ऐसा किया तो कहते बस बस बस, मैंने समझा कि रिजेक्ट हो गया हूँ। अच्छा। तो मैंने बुरा सा फेस बना के तो दूसरे कहते हैं कि नहीं भैया उन्होंने तो बिल्कुल गुड से भी आगे लिख दिया। मैंने कहा ठीक है जी मेहरबानी। उसके बाद फिर बच्चों के प्रोग्राम में मैं आया था पहले। अच्छा। तो क्या बच्चों के प्रोग्राम में सिखाते थे? म्यूजिक का प्रोग्राम होता था छोटा छोटा, नज़में पढ़नी, तो वो म्यूजिक में उसमें नवाए शौक प्रोग्राम का नाम था। अच्छा। लाहौर रेडियो पाकिस्तान से। तो फिर उसमें आया और दो तीन महीने के बाद मेरा जनरल प्रोग्राम शुरू हो गए थे बड़ों के साथ। तो जो बच्चों का प्रोग्राम था उसमें आप बच्चों को सिखाया करते? ना ना बच्चों में मिल के एक आदमी लीड करता था। तो क्या बाकी बच्चे उस वक्त में मेरा कोई 14-15 वर्ष 16 वर्ष। अच्छा, तो आप खुद ही बच्चे थे तो बच्चों के प्रोग्राम में आए थे? हाँ, साथ मिलके लीड करता था मैं गाने। तो उसके बाद फिर आपने रेगुलर गाना शुरू किया और 1960 में फिर रेगुलर शुरू हो गया। फिर रेडियो से आप पहुंचे फिल्मों में? रेडियो से फिर मैं स्टेज पे पहुंचा। अच्छा। स्टेज से फिर टीवी भी शुरू हो गया, टेलीविज़न स्टेशन लाहौर में 64 में। हाँ जी। तो 64 में पहले प्रोग्राम हमने किए हुए हैं, तो हम ही से स्टार्ट हुआ था टीवी। टीवी हमारी पब्लिसिटी है, हम टीवी की पब्लिसिटी है। बिल्कुल। तो तब से फिर लेकर अब तक। फिर उसके बाद फिल्मों में मैं बहुत कम गया हूँ, इसलिए कि फिल्मों में बहुत सारे गाने वाले मौजूद हैं, तो क्यों उनका वो टाइम मैं ज़ाया करूँ, तो वो भी लें। मैं तो बहुत कम गाता हूँ फिल्मों में, मेरा प्राइवेट तौर पे गज़लें इतनी ज़्यादा हिट हुई हैं कि लोग चाहते हैं, अब तक भी चाहते हैं कि इनके आवाज़ में तो प्राइवेट जो गज़लें रिकॉर्ड होती हैं वो हम सुनते हैं। फिर गाहे में फिल्मों में भी गाया है, जो मुझे पसंद आया, जो नहीं आया तो नहीं छोड़ दिया मैंने। तो कितनी फिल्मों में आपने गाया? कम से कम 30-40-50 फिल्मों। मेरे वालिद साहब का कहना था कि फिल्मों में ज़्यादा नहीं गाना। अच्छा। अगर वो भी मैं उनके बहुत ज़ोर से इजाज़त लिया फिल्मों में गाने के लिए। लेकिन जो गज़ल गायक हैं वो पूरा न्याय नहीं कर पाते फिल्मी गानों के साथ, पर लेकिन जो आपने गाने गाए हैं उनमें भी वो बात है, पूरा न्याय किया है कि ये फिल्मी गाना तो उसी अंदाज से गाया। तो क्या आप सोचते हैं कि गीत और गज़ल गायकों को क्लासिकल संगीत की पूरी नॉलेज होनी चाहिए? क्लासिकल संगीत की तो जो आदमी म्यूज़िक का काम करना चाहता है या इसमें आना चाहता है उसको क्लासिकल की पहचान होनी चाहिए, इसलिए कि क्लासिकल की पहचान ऐसी है जैसे कोई इसका रॉ मटेरियल है, तो इससे जो भी आप बनाना चाहो जी। सारे गामा रे जा गामा सामा गा रे मा रे गा जा रे गामा पा गा रे मा पा सा पा मा रे पा गामा रे गामा पा दा रे गामा, ऐसा चल जब चलता है इसको सीखता आदमी या स्वरों की तलाश करता है राग सीखता है, तो वो सारे रंग उसके दिमाग में मौजूद होते हैं। कोई भी डिज़ाइन बना सकता है, डिज़ाइनर बनना जो है वो क्लासिकल से बनेगा वरना नहीं। बेस तो ये क्लासिकल, इसलिए मैंने तो इसको ही सीखा है। बल्कि मेरा तो इरादा था पूरा क्लासिकल ही सिर्फ गाने को, लेकिन यह है कि मुझे फिर अपने उस्ताद बरकत अली खान साहब को सुन के ना, लाइट म्यूज़िक सुन के, उनकी गज़ल ठुमरी सुन के, तो मुझे इश्क हो गया कि भाई ये लाइट म्यूज़िक गाना चाहिए, इसके ज़रिए मैं क्लासिकल भी गाऊंगा। मैं इसमें क्लासिकल भी समो लेता हूँ लेकिन उसको थोड़ा सॉफ्ट करके, फिर आप जो अलाप लेते हैं क्योंकि क्लासिकल तो जो अंदाज होता है जी।
उसको फिर लाइट करके ताकि लोगों को कानों में और खूबसूरत लफ्जों में आके तो सॉफ्ट करना पड़ता है ना. क्लासिकल में तो ठीक रहता है. क्लासिकल में सभी का इंटरेस्ट नहीं होता, मोस्टली जो लोग हैं वो लाइट सुनने. हाँ, तो इसके जरिए हम फिर क्लासिकल को भी इसमें सुना देते हैं, लोग सुनते हैं जी. आजकल ये सुनने में आया कि जो फिल्मी गायक कलाकार हैं वो कहते हैं कि क्लासिकल सीखना कोई जरूरी नहीं है, ये तो फिल्मी गाने तो गाए जाते हैं. मैं किसी को कुछ नहीं कहता कि क्या कहते हैं या नहीं कहते. मैं कहता हूँ कि क्लासिकल अच्छी चीज है, सीखना जरूरी है, दैट इज द बेस. मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ. अगर कोई सीखेगा तो अच्छी बात है. इल्म सीखना तो कोई बुरी बात नहीं जी. इल्म तो आखिरी मरते दम तक सीखना चाहिए. बिल्कुल कोई इल्म भी हो, कोई भी हो. खान साहब, जब आप गजलों का चयन करते हैं, मतलब चूज करते हैं कि ये गजल, हाँ जी, तो कैसे कैसे आप वर्ड्स पर जाते हैं? हाँ, या शायर, एक तो शायर हैं जो आपको बहुत पसंद है, आप उन्हीं की शायरी गाना? हाँ जी, ये नहीं, मैं तकरीबन ऐसे शायर भी हैं जिनकी मैं काफ़ी शायरी गाई है, मसलन जिसमें नासिर काज़मी मरहूम हैं, जिनकी दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, या अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, इस तरह से. या फराज साहब, उनकी कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, या उनकी वो ये आलम शौक का देखा ना जाए, इस तरह से अच्छी गजलें जो हैं. बड़े शायर तो बड़ा ही होता है, बड़ा शायर जो होता है उसकी गजल तकरीबन अच्छी होती है. तो जो अगर कोई नया शायर भी अच्छी गजल लिखे तो हम उसको गाते हैं. ये जरूरी नहीं है कि उसको क्या, मकसद तो ये है कि चीज अच्छी होनी चाहिए. मैं पूछने ही वाली थी कि किसी नए शायर को भी आपने गाते हैं? जी बिल्कुल गाते हैं. आपको लगता है कि कोई आपके जो ये गायकी है उसको अपना रहा है, या मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है आपका जो बिल्कुल आप ही के अंदाज में गा रहा है, तो आप? हाँ, वो ये है कि जो स्टूडेंट सीखते हैं हमसे, हमको सुनते रहते हैं, तो जाहिर है उनका नज़रिया जो है, उनका अंदाज जो होता है, उसके उसी से मिलता है जिसको वो चाहता है. तो जिसको आदमी चाहे, जिससे सीखे, उसकी आवाज़ बना, उस जैसी आवाज़ बनाने को जी चाहता है, उस जैसा एक्सेंट बनाने को जी चाहता है, उस जैसी जगह तान मुर्की कहने को जी चाहता है, तो उसका स्टाइल भी वही होता है, क्योंकि अपना स्कूल होता है ना वो. तो इस तरह से जैसे उस्ताद बरकत अली खान साहब, उनका अंदाज था वो जो हमें तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम ये उनका स्टाइल था. तो जाहिर है मैं उनका शागिर्द हूँ, तो मुझे आना चाहिए जी. लेकिन आगे जाके फिर हमने सोचा कि भाई लोगों को एक अपना इसी स्टाइल के सदके में, उसी से इंस्पायर हो के कुछ और भी नया बनाओ, कुछ लोगों को लगे कि भाई इन्होंने भी कुछ नई चीज है. हाँ जी, आपने इंस्पायर की बात की है, तो आप इंस्पायर हुए थे बड़े गुलाम अली खान साहब से और बरकत अली खान साहब से. इसके अलावा कभी कभी जो संगीत में जो संगीतकार हैं या गायक कलाकार हैं, झरने की आवाज से, पक्षियों की चहचहाट से, कोई भी कुदरत की चीज से बहुत इंस्पायर होते हैं, आप भी कभी? बिल्कुल. किस चीज से? कई दफा ऐसा हुआ है कि कभी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ बहुत ऊंचाई है या पहाड़ी है, तो वहाँ इतना ज़्यादा बारिश या तूफान हवा आई है, तो उसका भी एक म्यूज़िक है. कई दफ़ा मैं कई कंपोजिशन में वो चीज़ें पैदा की हैं कि शोर का लफ्ज़ है, तो शोर के लफ्ज़ को क्या आवाज़ देनी चाहिए, कैसी आवाज़ देनी चाहिए. अगर तन्हाई है तो उसका अपना एक एटमॉस्फेयर है, तो उसके लिए कैसी आवाज़ सुनाना चाहिए, कैसे अल्फाज को कैसे जोड़ना चाहिए सुर के साथ. तो ये सारी बातें मिला के हज़ारों मंजर देखे हैं, हज़ारों चीज़ें देखी हैं, तो ये सारा म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, पूरी दुनिया म्यूज़िक है, लय और सुर की बंधी हुई चीज़ है. तो जहाँ हमें कोई नई चीज़ मिलती है, हम इसको समो लेते, अपने जहन में रख लेते हैं. कुछ लोग सुरीले होते हैं, सुर में हैं पर वो बेलय हो जाते हैं. हाँ, ये उनके बारे में आप? हाँ, वो ये है कि लय और सुर जो है ये कुदरती तौर पे अल्लाह की देन है. हाँ, कभी किसी को सुर का ज़्यादा महारत होती है तो लय की इतनी नहीं होती, लय की इतनी होती है तो सुर की इतनी नहीं होती. कभी कभी खुदा दोनों चीज़ें देता है लोगों को, कुछ लोगों को, तो जिनको देता है तो वो फिर दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं. तो लय जो है, ताल जो चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है. इसको बड़े बड़े गवैये पहले तबला सीखते थे फिर गाते थे, इसलिए कि लय की महारत जो होगी तो डिज़ाइन बहुत बनते हैं उससे, बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं. तो क्योंकि लय का हिस्सा है, लय सुर
और बोल, बिल्कुल लफ्ज, ये सारी चीजें मिलके सारा कुछ बनता है जी। तो खान साहब आपने पंजाबी के भी बहुत सारे गीत गाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे, इतने हिट हुए गाने। मेरी जाहिर है मेरी मदर टंग पंजाबी जबान है, तो इससे तो मैं गा ही लेता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा जोर जो दिया है जिंदगी में तो वो उर्दू गजल पे। हाँ जी, पर आपकी पंजाबी के गाए हुए गीत तो बहुत ज्यादा मशहूर है, तो एक गीत क्यों ना सुनाते हैं। नहीं जरूर, प्यार करूंगा चजो यार, नहीं प्यार करूंगा चजो यार, तू यही दस कुछ, तू यही दस कुछ अजो यार, नहीं प्यार करूंगा चजो यार, नहीं प्यार करूंगा चजो यार, दस कुछ दस कुछ अज ओ यार, नहीं प्यार करूंगा चज ओ यार, नहीं प्यार करूंगा चज ओ तो आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट होती है, ये भी कभी गुस्सा भी आता है आपको? गुस्सा भी आता है तो मुस्कुराहट में बदल लेता हूँ, क्या करूँ। अच्छा, बाज़ोकात ऐसा होता है गाते वक्त जी के मैं कुछ गा रहा हूँ और लोग कुछ अपनी अपनी बातें करें तो फिर गुस्सा भी आता है। अव्वल तो आपकी दुआ से परवरदिगार मेहरबानी करे तो किस मुझे लोग गौर से सुन लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कोई अपनी बातें कर रहे हैं तो गुस्सा आता है फिर, लेकिन बदल लेते हैं क्योंकि पब्लिक में बैठ के तो आदमी को थोड़ा सा घुल मिल जाना चाहिए ना, तो फिर गुस्से को डाल लेता हूँ हंसी। अदरवाइज भी कभी जिंदगी आता तो है तो क्या गलत बात पे, गलत बात पे आता है फिर अगर वो कोई मान ले तो अच्छी बात, फिर गुस्सा निकल जाता है उतर जाता है। बहरहाल ज्यादा मैं सुर में रहने की कोशिश करता हूँ, सुर में रहने से मुराद है टेम्परामेंट सुर में, बिल्कुल हाँ जी, मतलब गुस्सा आया भी तो टाल गए उस बात, अपने ऊपर सैक्रिफाइस भी कर लेता हूँ जी। आजकल आप लंदन में हैं जी? जी कोई कॉन्सर्ट से आप? मैं 12-13 तारीख तक इंशाल्लाह अभी सितंबर तक हूँ इंग्लैंड में जी। तो मुख्तलिफ जगहों पे अपने दोस्तों अहबाब को मिलना जरूरी है और यहाँ पे खिदमत भी करना जरूरी है जी। आपकी काफी कॉन्सर्ट्स जी, कॉन्सर्ट्स तो अभी वो खास बहरहाल सेवा तो करनी है बिल्कुल। और जब भी आपका कभी लंदन में या इंग्लैंड में कहीं भी किसी जगह भी हुआ कॉन्सर्ट तो बहुत पसंद किया है और हमेशा हॉल फुल होते हैं और बहुत से आपके यहाँ पर शागिर्द भी हैं और चाहने वाले भी हैं। आप कितने करोड़ों दिलों के बीच में बसे हुए हैं, आपके दिल की धड़कन इसी, ये भी यही खुशी की बात है फनकार के लिए कि उसको उसको चाहने वाले जो हैं वो उसे ज़िंदगी देते हैं और आर्टिस्ट उनको ज़िंदगी देता है। मेरी आवाज़ से कई कुछ ऐसे कितने प्यारे प्यारे मेरे अज़ीज़ अहबाब जो फ़ैन हैं वो मुझे कई दफ़ा कहते होते हैं खान साहब, गुलाम अली भाई आपकी आवाज़ से हमें
जिंदगी मिलती है। एक डॉक्टर था मेरा दोस्त, वो कहने लगा मैं सुबह भी आपको सुन के जाता हूँ तो ऑपरेशन वगैरह खूब करता हूँ, थक के भी आता हूँ तो आपको सुनता हूँ, फिर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, तो मेरी मेरी लाइफ बनती है, रिलैक्स होता हूँ मैं, मेरी जिंदगी बढ़ती है आपकी। एक नहीं कई लोगों को कहते सुना है, और वाकई हम जिनको सुनते हैं, मतलब मैं बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ जब भी सुनता हूँ तो कई कई दिन मैं खुश रहता हूँ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, अजीब सी सुकून मिलता है अपने आप को। खान साहब, जब पहली दफ़ा आप गए थे स्टेज पर गाने के लिए और लाइव ऑडियंस में गाए थे, कैसा लगा? ये जो अक्टूबर का महीना आ रहा है ना, सितंबर अक्टूबर, तो 27 को 27 अक्टूबर था 1960 में, 32 साल, तो हाँ 32 साल हो गए इस बात को। लाहौर एक बागे जना ओपन एयर थिएटर है, तो वहाँ पे कुल म्यूजिक ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें सब लोग बड़े बड़े उस्ताद इंडिया से भी गए थे, बड़े बड़े खान साहब, बड़े बड़े उस्ताद, रोशनारा बेगम मरहूम भी उनमें उस वक्त मौजूद थी, अमानत अली फ़तह अली, नज़ाक सलामत, अपने फरीदा खान और मेहदी हसन साहब, और ये सब लोग उधर मौजूद थे और इंडिया से भी लोग आए थे। तो मेरा भी वहाँ प्रोग्राम था, मैं सबसे कम सिन यानी छोटी उम्र का फनकार मैं ही था वहाँ, उस वक्त मैं 16-17 वर्ष का होगा, तो या 17 या 18 वर्ष का, तो फिर उस वक्त मैं क्या कहते हैं स्टेज पे जब मुझे एक गाने के लिए कहा था या दो गाने के लिए, एक गाने के लिए, तो मैं तीन गाने गाए, गाने भी क्या गजलें गाए। ये गजल थी जो सबसे पहले मैंने गाई थी, शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई, ये गजल थी अहमद नदीम कासमी साहब इसके शायर थे, तो वो गाई। उसके बाद एक पहाड़ी गीत गाया, तो मैं वापस आने लगा, तो फिर लोगों ने फिर मुझे भई और एक गाओ, तो हालांकि मेरे उस्ताद के नाम से मैं पुकारा गया, सुबह उस नेक्स्ट मॉर्निंग 3-4 अखबारों में आ गया कि बरकत अली खान का बेटा गा रहा था। इससे ज़्यादा मुझे दुनिया में और कोई खुशी की बात नहीं थी कि मेरे उस्ताद का नाम मेरा नाम बोला बेटे से, तो ज़ाहिर है बेटा तो मैं हूँ ही, तो मुझे उस वक्त तक अब तक उस बात की खुशी है। ये तो है, तो ये मेरा पहला प्रोग्राम, वो यादगार बन जाती है, तब से लेके मैं अब तक स्टेज पे गा रहा हूं। और आपका पहला रिकॉर्ड कब बना था? पहला रिकॉर्ड बना था 68 में, वो गजलों का 68 में गजलों का था, पूरा गजलों का, असातजा की गजलें, असातजा से मुराद पुराने शायरों की गजलें, उसमें थी आतिश, सौदा और मीर तक की मीर, मीर मिनाई और मोमिन खान मोमिन गालिब, हाँ जी ये शायर थे उसमें। तो ये गजल जब कैसेट में आए या रिकॉर्ड बना था, उसमें इतनी लहरें नहीं है जितनी, तो आप पसंद करते हैं लाइव गाना ज्यादा या रिकॉर्डिंग? तो अगर लाइव में आदमी ज्यादा वजाहत कर सकता है, बिल्कुल टाइम लिमिटेड नहीं है कि 3 मिनट में ही ये गजल गाना, लेकिन मैंने तो उसमें भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड में भी थोड़ा है पर नॉट जैसे आपने अभी किया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी सभी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, तो जहाँ आज आप हैं आगे बहुत बढ़े। और मेरा अपने सुनने वालों को आदाब और सलाम अलैकुम, नमस्ते और नमस्कार, सब कुछ है। थैंक यू सो मच, और टीवी एशिया की सारी मैनेजमेंट की तरफ से आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का एशिया टुडे यही समाप्त करने की मैं आज्ञा चाहती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सरिता को इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुदा हाफिज़।